मौजूद सभी अजीजों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आप सबका स्वागत है। आप सबको आज संडे के दिन में आराधना में आने के लिए, पूरे हफ्ते भर अपनी जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, सभी जिम्मेदारियों में खड़े होने के लिए प्रभु ने आपकी मदद करी, सहायता करी और हम यहाँ पर आराधना में मौजूद हैं। इसके लिए हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम जब एक एक चीज में काम करते हैं, उदाहरण के तौर पर यही मान लीजिए, घर पर हम अगर कुछ कर रहे हैं और हमारे घर के लोगों को राज नहीं आता, तो कई बार घर के लोग ही हमसे सवाल कर देते हैं, तुम्हारा यहाँ पे क्या हक है। ऐसी ही एक घटना, एक बार जब यीशु मसीह इस दुनिया में मौजूद थे, और यीशु मसीह कहीं दूर भी नहीं थे, कहीं ऐसी जगह पर भी नहीं थे, वो मंदिर में ही थे, और यीशु मसीह से सवाल कर दिया कि तुम्हारा क्या, किस अधिकार से तू ये काम करता है। जरा वचन निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार 20वें अध्याय का पहले वचन से जरा पढ़ेंगे, 1 और 2 जरा पढ़ दीजिए, लूका 20:1-2। लूका, एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह मंदिर में लोगों को उपदेश दे रहा, जब वह मंदिर में लोगों को देखो, यीशु मसीह प्रभु होने के बावजूद भी वह काम मौजूद है मंदिर में। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इतना ही वचन काफी है हमें परमेश्वर के सम्मुख में आने के लिए। अगर यीशु मसीह ने हमारे लिए एक नमूना दिया, तो उससे बड़ा और कोई नमूना चाहिए? यीशु मसीह उस समय कहां पर मौजूद है? मंदिर में मौजूद है। मंदिर में मौजूद होकर क्या कर रहे हैं? लोगों से बातचीत कर रहे हैं। किस विषय पर? वचन के ऊपर। सुसमाचार सुना रहे हैं। किसको सुसमाचार सुना रहे? साधा लोग, परेशान लोग, दुख में पड़े लोग, तकलीफ में पड़े हुए लोग। हालेलुया, साल का आखिरी क्षण आ गया है हमारे पास में। प्रेज़ द लॉर्ड, अक्टूबर लगभग खत्म ही समझ लीजिए। आज प्रेज़ द लॉर्ड 27 तारीख है। प्रेज़ द लॉर्ड 4 दिन और मौजूद है, उसके बाद में ये महीना खत्म हो जाएगा। नवम्बर, दिसंबर, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके काम के जगह पर, आपके आते जाते समय, घर के अंदर, घर के बाहर, प्रेज़ द लॉर्ड, आस पड़ोस में लोगों से, प्रेज़ द लॉर्ड, हम केवल अपनी रोटी और अपना कपड़ा और अपनी नौकरी देखने के लिए नहीं है। यीशु मसीह के पास में भी प्रेज़ द लॉर्ड पिता मौजूद है, मम्मी मौजूद है, भाई बहन मौजूद है। उसके बाद में यीशु मसीह के इस पास एक काम मौजूद है, वो काम है बड़ाई। उसके बाद भी वो टाइम निकाल कर कहाँ मौजूद है? मंदिर में मौजूद है। अगर यीशु मसीह कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हालेलुया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इच्छा रखनी पड़ेगी, हमें जज्बा रखना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब पढ़ने वाला बच्चा बोलेगा, मेरे पास में तो पढ़ाई लिखाई है, मेरे पास में टाइम नहीं है। तो मैं आपको बोलूंगा, प्रेज द लॉर्ड, उस बच्चे के बारे में जो बच्चा अपना टिफिन बांध कर यीशु मसीह के पीछे निकल पड़ा था। कितनी बार आप टिफिन बांध कर निकले हो? प्रेज द लॉर्ड। फिर आप में से कोई बोलेंगे, मेरे पास में पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा है, मैं बड़ी क्लास में मौजूद हूँ। तो हालेलुया, आपके पास में शमूएल मौजूद है, जो अपने घर को छोड़कर, मम्मी को छोड़कर मंदिर में आके बैठ गया था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। चलो मम्मी पापा इच्छा रखें और बच्चे के अंदर इच्छा ना हो तो? हालेलुया, उस समय का पुरोहित कौन है? एली। एली के बच्चों को पता है मंदिर का काम क्या है, करके क्या, कहां से क्या क्या चीजें करनी चाहिए, एली के बच्चों को पता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो बच्चे क्या नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, लेकिन एक बच्चा कर रहा है। कौन? शमूएल। कहां से आया? उसको मंदिर के काम के बारे में कोई जानकारी है? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब आया, देखा ये काम है, अच्छा मैं करूंगा, ये काम है, अच्छा मैं करूंगा, वो उस काम में आगे बढ़ गया। आमीन। अच्छा, अब ये वचन के ऊपर वापस आते हैं। यीशु मसीह कहां मौजूद है? मंदिर में। मंदिर में बैठकर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं। यहां मौजूद सभी प्रियजन मेरी तरफ देखिएगा, सभी मेरी तरफ देखिएगा, क्या आपके पास में सुसमाचार है? यहां पर बच्चों के पास में सुसमाचार है? हालेलुया। क्या है सुसमाचार? ये सुसमाचार? ये सुसमाचार नहीं। अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखो। हालेलुया। और उसके बाद में जो प्रभु ने आपके साथ किया है वो बताओ। क्या बताना है?
हाँ, जो मेरी बात बताना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, जो प्रभु ने आपके जीवन में किया है वो बात क्या आप दूसरे को बता सकते हो? प्रभु ने आपके जीवन में कुछ अच्छा किया है नहीं किया? किया है ना, उस बात को बताने में कोई तकलीफ होगी? अब यीशु मसीह वहां मंदिर में बैठकर क्या कर रहे हैं? सुसमाचार बता रहे हैं। प्रभु होने के बाद में भी क्या कर रहे हैं? सुसमाचार बता रहे हैं। मंदिर में स्टेज पर नहीं खड़े, मंदिर में बड़े बड़े लोगों के साथ में नहीं मौजूद, कहां मौजूद है? गरीब लोगों को, परेशान लोगों को, दुखी लोगों को क्या कर रहे हैं? सुसमाचार सुना रहे हैं। हमारा समय आ रहा है, हमारा वक्त आ रहा है, क्रिसमस का टाइम आ रहा है, हालेलुया। लोगों को हम बुला सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोगों ने एक एक जगहों पर क्रिसमस मनाना चालू कर दिया है, हालेलुया। अब हमारे इस मौके को, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे पास में किताबें मौजूद हैं, आप लीजिएगा, नया नियम मौजूद है, आप लीजिएगा, जहां पर जो हो सकता है आप कीजिएगा। आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, एक डपली ले लो और उसके बाद में हालेलुया, यहाँ वीरवार का, यहाँ मंगलवार का, यहाँ मंगलवार का बाजार पड़ता है, यहाँ वीरवार का बाजार पड़ता है, बाजारों में उतर जाओ। हमारे वहां शुक्र बाजार पड़ता है, शुक्र बाजार में प्रेज़ द लॉर्ड, वहां पर कुछ लोग आते हैं, हमारे लोग नहीं और लोग आते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते? दिसंबर महीने में हम कर सकते हैं, अच्छा मौका है, प्रेज़ द लॉर्ड। बाजार में आने वालों को, यीशु मसीह भी कहां रहते थे? कहां थे? बाजार में। कहां थे? मछुआरों के बीच में। अभी यीशु मसीह कहां मौजूद है? मंदिर में मौजूद है, मंदिर में मौजूद होकर यीशु मसीह क्या करे? सुसमाचार सुना रहे। सब एक ईश्वर के साथ में बोलेगा, सुसमाचार। क्या यहां पर छोटे बड़े सबके पास में सुसमाचार है? क्या आप बोल सकते हो? अगर आप बड़ी बात नहीं बोल सकते, अपनी कहानी बता सकते हो, अपनी बात बता सकते हो, अपनी गवाही बता सकते हो, वो सुसमाचार है। आमीन। अच्छा, अब वचन में जाते हैं। अब यहां पर कौन मौजूद है? शास्त्री मौजूद है, फरीसी मौजूद है। शास्त्री कौन? जो वचन का ज्ञान रखते हैं। पुरोहित मौजूद है, पुरोहित कौन? जो मैं यहां पर खड़े होकर सेवा कर रहा हूं, ऐसे पुरोहित। उसके बाद में एल्डर मौजूद है, एल्डर का मतलब प्राचीन, प्राचीन का मतलब जो मंदिर के अंदर सेवा की। अभी मान लीजिए हमारी कलीसिया में बहुत सारे परिवार हैं, तो सारे परिवारों के बारे में जानकारी रखना आसान नहीं है, तो वो झट से जाकर प्रार्थना करने वाला, झट से जाकर प्रेज़ द लॉर्ड, अभी प्रभु भोज होने वाला है, प्रभु भोज की तैयारी करेगा। कौन करेगा? प्राचीन करेगा। तो ऐसे एक एक जिम्मेदारी करने वाला कौन है? जो कलीसिया के बारे में, सेवा के बारे में, मंदिर के लोगों के बारे में अच्छे से जानता है, ऐसा कौन व्यक्ति है? एल्डर, प्राचीन। वो सारे लोग मिलकर यीशु मसीह से सवाल कर रहे हैं कि आप ये जो काम कर रहे हो ना, ये किसने आपको अधिकार दिया है? आमीन, हालेलुया। ये काम करने का अधिकार किसने दिया? किसने दिया है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कई परमेश्वर के दास लोग जब परमेश्वर का प्रचार कर रहे थे, लोगों ने उनसे सवाल किया, तुझे ये अधिकार किसने दिया है? तो उन्होंने तुरंत बाइबल खोली और उसके बाद में बोला, बाइबल मत्ती रचित सुसमाचार 16वें अध्याय का 15 वचन, तुम सारे जगत में जाओ, सारे सिटी के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हमें अधिकार ये बाइबल दे रही है करके उन्होंने बताया। यीशु मसीह ने वहां पर क्या किया? यीशु मसीह ने वहां पर उनसे सवाल पूछा, उसने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे बताओ योहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से था? सिंपल बात, तुम मेरे से सवाल कर रहे हो कि मेरा ये, मैं जो ये काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? ये कोई गलत काम है? नहीं। लेकिन बस इतनी सी बात है, वो काम कहाँ पर कर रहे हैं? मंदिर में कर रहे हैं। कई बार यीशु मसीह ने ये काम कहां भी करा? बाजार में किया। कई बार कहां पर करा? मछुआरों के बीच में। कई बार कहां करा? घर में किया। कई बार यीशु मसीह को लोग बुलाकर ले गए तो बीच सड़क पर खड़े होकर पेड़ पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ में किया, मतलब 1-to-1 भी किया। तो यीशु मसीह ने केवल मंदिर का स्टेज ही नहीं पकड़ा, यीशु मसीह ने हर जगह पकड़ा, क्योंकि यीशु को क्या सुनाना था? यीशु मसीह को धर्म नहीं बनाना था, यीशु मसीह को क्या करना था? गरीबों को बचाना था, कुचले हुए लोगों को बचाना था, जो परेशानी में पड़े हैं, जो एक बंधन में पड़े हैं, उनको बचाना था। अब इन्होंने सवाल किया, भैया आप ये जो काम कर रहे हो ना, आपको ये काम करने का अधिकार किसने दिया?
ये सवाल कौन कर रहे हैं? मंदिर के शास्त्री पुर्निये प्रधान याजक। तो तीन झुंड के लोग मौजूद हैं। इसमें एक झुंड का नाम कभी कभी आप भी बाइबल पढ़ते समय आता होगा, उस झुंड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ और उसके बाद में वचन में हम आगे बढ़ते हैं। उस झुंड का नाम है सदूकी। वो लोग ना शुरू की जो पांच किताबें होती है ना, उत्पत्ति, निर्गमन, गिनती, लय व्यवस्था, व्यवस्था विवरण, ये पांच किताब के ऊपर विश्वास करते हैं। वो मृत्यु उपरांत जीवन के बारे में विश्वास नहीं करते, वो पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो स्वर्गदूतों के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो बस शुरू की पांच किताबों के ऊपर विश्वास करते हैं। लेकिन वो यहूदी हैं। उस यहूदी के अंदर एक झुंड है जिसका नाम है सदूकी। वो कई बार आपने बाइबल पढ़ते समय सुना होगा, तो थोड़ी सी जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। अब फरीसी, फरीसी कौन है? कट्टर यहूदी, मतलब जीने मरने के लिए भी एकदम तैयार। उनके रग रग में, कण कण में जो खून दौड़ता है ना, वो खून यहूदी खून दौड़ता है। और वैसा ही कट्टर था कौन? पौलुस। ठीक है, तो वो हो गए फरीसी, जिनका आठवें दिन में खतना हो गया। और जिनका जन्म कहाँ हुआ? यहूदियों के जो गोत्र हैं, अलग अलग गोत्र हैं, उन गोत्रों के अंदर उनका जन्म हुआ, तो वो होते हैं फरीसी। अब शास्त्री, शास्त्री कौन है? जो इस वचन के उपदेश के बारे में, जिनको पुनरुत्थान के बारे में, जिनको स्वर्ग के बारे में, जिनको नरक के बारे में, ये एकदम हमारी भाषा में समझ लीजिए, ये लोग वेद पंडित होते हैं। इनको कौन सा वचन कहां पर क्या ऐसे निकालते हैं ये लोग, और वचन इनको याद रहता है, ये लोग याद करने में बड़े माहिर होते हैं। तो वो लोग हैं शास्त्री। अब पुरोहित, पुरोहित कौन? जो मंदिर के अंदर सेवा करते हैं। अरे ये अब प्रार्थना का टाइम हो गया, ये अब इस चीज का टाइम हो गया, ये अब बलिदान का समय हो गया, ये टाइम टाइम पर, जो टाइम पर जो करना चाहिए वो सेवा वो लोग करते हैं। वो लोग हैं शास्त्री, पुरोहित लोग। ठीक है, अच्छा, पुरोहित आपके लिए क्लियर हो गया, शास्त्री के लिए क्लियर हो गया, और प्राचीन के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। एक बार और आपको बता देता हूं। अभी उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारी यहाँ कलीसिया में मैं कहीं पर आ जा नहीं पा रहा, मैं किसी कारण से, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए बच्चे को स्कूल में लेने के लिए बीच रास्ते में कुछ बात हो गई, या बच्चे को साथ में लेकर और कहीं पर मेरे को जाना पड़ गया, तो मैंने अंकित को फोन करके बोल दिया, अंकित भाई ऐसे ऐसे बात है, वहां पर ऐसा ऐसा है, आप जरा जाके हॉस्पिटल में प्रेयर करके आ जाओ। तो अंकित जैसे चला गया, तो अंकित को आप क्या नाम देंगे? हमारी कलीसिया का प्राचीन, मतलब गैर मौजूदगी में जिस जिम्मेदारी को संभाल ले वो प्राचीन है, लेकिन वो कलीसिया के सब बातों से वाकिफ है, कलीसिया का एकदम राइट हैंड बनकर रहता है। ऐसे में दो स्थान मौजूद है, उसमें से एक स्थान का नाम है प्राचीन, दूसरे स्थान का नाम नए नियम में बोलता है डीकन, एल्डर और डीकन। प्रेज द लॉर्ड, ये लोग इस प्रकार से परमेश्वर के दास के साथ में एकदम राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड बनकर चलते हैं। तो ये बात अब क्लियर हो गई, ये हो गए मनुष्य। अब इसराइल के जो मंदिर है, मंदिर के अंदर के बड़े बड़े लोग कौन हैं? शास्त्री, फरीसी, प्रधान याजक। अब ऊपर से नीचे आते हैं, प्रधान याजक, शास्त्री और उसके बाद में प्राचीन। बोलिएगा मिलकर, प्रधान याजक, शास्त्री, प्राचीन। अच्छा, अब ये प्राचीन के अंदर यरूशलेम की जो काउंसिल होती है, काउंसिल के अंदर 70 लोग होते हैं जो बैठ के डिसाइड करेंगे कि भैया ये चीज अभी हो गया, ऐसे ऐसे हमें करना चाहिए। अब मंदिर का मतलब बैठ के एक एक चीजों को सभापति लोग, 70 लोग होते हैं। अब इन लोगों ने सवाल किया, अब ये सभापति में लोगों में से उस समय का शासन किसका है बताइए? रोम का शासन है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, प्रेज द लॉर्ड। ये लोग कौन से लोग हैं? इसराइली लोग हैं। ठीक है, लेकिन धर्म कौन सा है इनका? यहूदी। तो इनके धर्म के लोग कहां पर भी मौजूद हैं? मंदिर में मौजूद है, रोम के शासन में भी मौजूद है। तो ये लोग कभी भी रोम के शासन के विरुद्ध में कभी कुछ बोलेंगे क्या? तो ये जो भी चलेंगे, कैसे चलेंगे? शासन और उसके बाद में धर्म को, सबको साथ में लेकर चलने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने सवाल किया, अब आप समझ पा रहे हैं? तो इन्होंने
सवाल किया, हम तो रोम का अधिकार मौजूद है, यहूदी धर्म का अधिकार मौजूद है, और हम 70 लोग जिनका नाम है नासी, हम यरूशलेम के काउंसिल में मौजूद हैं, हम याजक हैं, हम प्राचीन हैं, और उसके बाद में हम यहाँ के एल्डर हैं, तेरा यहाँ पर कोई भी कहीं पर भी रोल नहीं है, और तू किन बातों को लेकर ये अधिकार इस्तेमाल कर तू यहाँ पर ये काम कर रहा है। तो प्रभु ने इनसे सवाल किया, तुम बताओ। उन्होंने जो सवाल किया उसके सवाल का, इसको बोलते हैं काउंटर क्वेश्चन, जो उन्होंने सवाल किया उसी सवाल का उन्हीं से जो पूछा, भैया ये बताओ योहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग से था या मनुष्य से होता। तो यीशु ने यहां पर दो बात रखी। अब आगे की बात ना जरा ध्यान से आप सुनिएगा, यीशु ने यहां पर दो बात रखी, मनुष्य और दिव्य। अब आप बताओ क्या सुना आपने, मनुष्य और दिव्य। इन्होंने क्या सवाल किया था, बता तू ये जो काम कर रहा है ये अधिकार कहां से मिला तुझे। तो प्रभु ने उसी सवाल का उनके सामने अगला सवाल रख दिया, योहन्ना का बपतिस्मा मनुष्य से था या स्वर्ग की ओर से था, स्वर्ग की ओर से है या मनुष्य की ओर से, ये तुम बताओ। तो ये लोग आपस में बात करने लगे, भैया अगर हम बोले स्वर्ग से तो ये फट से सवाल करेगा, भैया तुमने विश्वास क्यों नहीं किया। तो फिर इनके पीछे जो 70 लोग खड़े हैं, यरूशलेम काउंसिल खड़ी है, प्राचीन खड़ा है, और उसके बाद में फिर शास्त्री खड़े हैं, उसके बाद में महायाजक खड़ा हुआ है, पुरोहित खड़ा हुआ है, और इनके जो तालमेल हैं रोम साम्राज्य के साथ में, सारे को ये क्या करेंगे, नाराज करेंगे। तो इन्होंने सवाल किया, भैया हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं वो लोग तो हमें खा जाएंगे। पल भर में इन्होंने आपस में बात करी, बात करने के बाद में फिर इन्होंने बोला, अगर ये बोलते हैं कि योहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग से था, तो यीशु ने स्वयं में भी बोला योहन्ना का सुसमाचार 7:23 में, मनुष्य के कोक में से। मैं हम सबको समझ में आया इसलिए जल्दी और सरल भाषा में बोल रहा हूँ, जितने भी लोगों ने मनुष्य के कोक में से जन्म लिया उन सब में सबसे सर्वश्रेष्ठ है योहन्ना बपतिस्मा दाता। तो मतलब मेरे हम लेकिन योहन्ना बपतिस्मा दाता, अब यह बात आप समझिएगा, योहन्ना बपतिस्मा दाता पुराने नियम में है, अभी नया नियम शुरू नहीं हुआ है, पुराने नियम में। पुराने नियम में परमेश्वर यीशु मसीह प्रचार करते समय यीशु मसीह कह रहे हैं, जितने भी हम सब ने भी यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, बच्चे बड़े सब बैठे हुए हैं, बच्चे अभी इतना समझ नहीं पाएंगे लेकिन बड़े लोग समझेंगे, मैं और आप जो माँ के कोख में से जन्मे, हम सब में सबसे श्रेष्ठ कौन है, योहन्ना बपतिस्मा देने वाला। अच्छा अब ये क्या बोल रहे, यीशु ने उनके ऊपर सवाल किया, भैया अगर ऐसी बात है तुमने योहन्ना का बपतिस्मा प्रभु का है या मनुष्य का, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मनुष्य के बीच में से जितने भी पैदे हुए उन सब में सर्वश्रेष्ठ कौन है, योहन्ना बपतिस्मा दाता। अगर योहन्ना पर विश्वास करेंगे तो योहन्ना ने क्या भी बोला, योहन्ना ने बोला हे सांप के संतानों मन फिराओ। तो योहन्ना का प्रचार क्या था, योहन्ना ऐसे ही प्रचार करता था, ऐसा प्रचार अगर यहां हम करने लग जाए ना सब लोग भाग जाएंगे, ठीक है। सांप के संतान मन फिराओ, देखो एड्रेस कैसे कर रहा है, कैसे नाम लेके बुला रहा है, क्या ये सांप की संतान है, सांप की संतान नहीं है, लेकिन इनका जो काम है ना वो काम सांप के संतान जैसा है, इसलिए उनको बुलाया है सांप की संतानों। फिर भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार मतलब प्रभु प्रभु लेकिन गरीबी को, गरीबों को कुचल रहे हैं, मन विवेक खत्म हो गया, सारा अपना मन की भावना जैसे जैसे आ रही वैसे चल रही है। तो उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में योहन्ना बपतिस्मा दाता ने प्रचार किया। फिर अगला योहन्ना ने प्रचार किया, ये जो राजा गद्दी में बैठा हुआ ना, ये जो काम कर रहा है, इसकी जो बीवी है ये गलत है, मतलब देखो शासन के खिलाफ में शासन। आज कई लोग, हम में से कई लोग शासन के खिलाफ में बात बोलने के लिए डरते हैं, लेकिन उस समय में योहन्ना बपतिस्मा दाता क्या कर रहा है, शासन के खिलाफ में बात कर रहा है। फिर नेक्स्ट बोला, ये देखो ये है परमेश्वर का मेमना जो जगत में हमारे पापों को उठा लिया जाता है। अगर वो बोले योहन्ना बपतिस्मा दाता प्रभु की ओर से है, तो उन्हें भी क्या करना पड़ेगा,
विश्वास करना पड़ेगा। अगर वो बोले मनुष्य की ओर से है तो मनुष्य से वो लोग डर रहे हैं, क्योंकि सब लोग मानते थे कि योहन्ना बपतिस्मा दाता प्रभु की ओर से आया है, और लोग खुद भी बोलते थे उसके ऊपर एक विशेष आत्मा है। इसलिए उन्होंने क्या जवाब दे दिया ना, जैसे कई बातों के ऊपर हम भी टाल मटोल कर देते ना, वैसे ही उन्होंने भी जवाब दिया, हमें नहीं पता। आप आगे वचन पढ़िए, तो मैं भी तुम्हें ये काम नहीं बताता भैया, मैं किस अधिकार से ये काम करता हूं। तो आज दिन के समय में इस आराधना में मैं आपको एक स्वर्गीय अधिकार के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो अधिकार ये है, आप किसी को भी सुसमाचार सुना सकते हैं। पौलुस कहता है हाय मुझ पर अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं। तो यहां पर बच्चे, बड़े, स्त्रियां, हालेलुया, परिवार के लोग, पति लोग, सभी लोगों की एक जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी ये है हम सुसमाचार सुनाएं। क्या आप अपने हाथों को उठाकर मेरे साथ में जरा बोलेंगे, हम सुसमाचार सुनाएं। ये किसकी जिम्मेदारी है? हम सबकी जिम्मेदारी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं क्या, मैंने आपको ये बोला नौकरी छोड़ दो? क्या मैंने आपको ये बोला प्रेज द लॉर्ड अपने घर की जिम्मेदारी पूरा मत करो? ये सारी चीजें करनी है, सब चीजें करनी है, लेकिन उसके बीच में एक काम भी करना है। क्या काम? क्या यीशु मसीह ने अपने पापा की जिम्मेदारी पूरी नहीं करी, मम्मी की जिम्मेदारी पूरी नहीं करी, प्रेज द लॉर्ड, और वो मंदिर जाके बैठ गया? नहीं, घर का भी किया, सब कुछ किया, और फिर इसके बाद कहां भी चला गया? मंदिर के टाइम पर वो मंदिर में बैठकर क्या कर रहा है? सुसमाचार सुना रहा है। परमेश्वर इसके लिए आपको ताकत देने पाए, इसके लिए आपको बल देने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे घर में काम है, मेरे घर में कपड़े फोल्ड करना है, मेरे घर में कपड़ा धोना है, मेरे घर में वो करना है, मेरे घर में ये करना है, उन सब चीजों को करने के साथ साथ इसके लिए भी समय निकालने के लिए प्रभु आपको ताकत देने पाए, क्योंकि हमारा नमूना यीशु मसीह है। अब जब यीशु मसीह ने किया तो हम भी कर सकते हैं, जब यीशु ने किया तो हम भी कर सकते हैं। हालेलुया। अब आगे वचन पढ़ के मदद कर दीजिए। वह लोगों से दृष्टांत कहने लगा, किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई, किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और किसानों को उसका ठेका दे दिया और दो दिनों के लिए पंडित चला गया। देखो, यहूदियों को ना, जैसे हमें कहानियां पसंद है, यहूदियों को भी कुछ कुछ कहानी बहुत पसंद है। एक, उनको चरवाहा और भेड़ वाली कहानी बहुत पसंद है, किसान और उसके बाद में बीज बोने वाला कहानी उनको बड़ा पसंद है, फिर उसके बाद में मालिक और नौकर वाली कहानी उनको पसंद है, अंगूर का रस और उसके बाद में अंगूर के रस को रखने वाली जो बैग की थैली होती है ना, प्रेज द लॉर्ड, उस थैली के बारे में लोगों से बात करना यहूदी लोगों को बहुत पसंद है, फिर उसके बाद में अंगूर की बारी और उसके बाद में अंगूर की बारी का देखभाल करने वाला, ये बात भी उनको बहुत पसंद है। क्यों? ये उन लोगों के बीच में होने वाले काम है, दिन प्रतिदिन होने वाले काम है, इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब यहाँ पर उन्हीं के पसंदीदी का और उसके बाद में इसराइली सभ्यता का एक बात यीशु मसीह उनके पास में रख रहे हैं। पहले तो ये अधिकार वाली बात हो गई, अधिकार वाली बात के बाद में एक कहानी रख रहे हैं, एक बात रख रहे हैं। एक मालिक अपने उस खेत की जिम्मेदारी कुछ समय के लिए कुछ नौकरों चाकरों के पास में दे देता है, देने के बाद में वो मालिक परदेश में चला जाता है। एक वचन निकालिएगा, लेवे व्यवस्था की किताब, थोड़ा और जल्दी से अच्छे से आपको समझ में आएगा ये वचन। लेवे व्यवस्था की किताब 19वें अध्याय का 23 और 25। फिर जब तुम कनान देश में पहुंचकर किसी प्रकार के फल के वृक्ष लगाओ तो उनके फल 3 वर्ष तक तुम्हारे लिए मानो खतना रहित ठहरे, इसलिए उनमें से कुछ ना खाया जाए, और 4वें वर्ष में उनके सब फल यहोवा की स्तुति करने के लिए पवित्र ठहरे, तब 5वें वर्ष में तुम उनके फल खाना, इसलिए कि उनसे तुमको बहुत फल मिले, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। यहाँ पर वचन ये बता रहा है, तुम एक खेत लगाने के बाद में, खेत में से अब फल का वक्त हो गया, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल तुम उसमें से फल नहीं लेना, तुम जो अपने लिए फल लोगे वो फल कब से लोगे? 5वें साल से लोगे। तो ये जो मालिक है, ये मालिक एकदम नियम कायदे कानून, इसकी सुअर जैसी जिंदगी नहीं है, इसकी जिंदगी कैसी जिंदगी है? भेड़ वाली जिंदगी है। तो ये कैसे चलता है? असूलों पे चलता है। ये कैसे चलता है? कायदे कानून पर खड़ा होकर चलता है। तो इसने 4 साल तक
अब पांचवा साल हो गया, अब उसके अंदर भी बात आई, ये साल मेरा साल है और मुझे अपने खेत का मालिकाना हक मुझे मिलना चाहिए। मालिक ने क्या किया, नौकर को भेजा। पहले एक नौकर को भेजा, उन्होंने मारा कूटा, नौकर आकर मालिक को देखो मेरे शरीर का छकम देखो, मेरे को उन्होंने मारा, फल तो बड़े प्यारे प्यारे ताजे ताजे लगे हुए लेकिन देखो मेरे को उन्होंने जख्मी कर दिया। अगले नौकर को भेजा, वो भी मार खाकर आ गया। तीसरे को भेजा, वो भी मार खाकर आ गया। आखिर में मालिक ने क्या किया, सोचा मैं अपने बेटे को ही भेजूंगा, वो जाएगा और उसके बाद में जो मेरा मालिकाना हक है, जो मेरा हक बनता है, वो तो मुझे मिलना चाहिए। बेटे को भेजा, बेटे को देखने के बाद में इनके अंदर खून खो गया। अरे ये तो वारिस है, हम इसे मार डाले। देखो चार साल फल खाने के बाद में इनको क्या लग रहा है, अब ये खेत हमारा है। ये इंसान के कुछ दुष्ट लोगों के स्वभाव हैं, कुछ चीज कुछ समय के लिए कर दे, जिम्मेदारी अदा करें, कुछ करें तो उसके बाद में लगने लग जाता है कि भैया यही चीज इनके अंदर आ गई। जब ये चीज इनके अंदर आ गई, ये कहने लगे अरे ये तो बेटा है, ये तो ही इज अ हेयर, वसीयतनामा इसके नाम पर है, वो बुढ़ाऊ का तो हम देख लेंगे। बेटे को पकड़ा, मारा कूटा और उसके बाद में उसे खत्म कर दिया। अब यीशु मसीह आगे आप वचन पढ़ दीजिए, इसलिए दाख की बारी का स्वामी उनके साथ क्या करेगा। हाँ, अब ये सवाल का यीशु मसीह सवाल पूछ रहे हैं, आप बताइए दाख का मालिक इनसे क्या करेगा, सवाल पूछ है। अब देखो इन लोगों को बात बिल्कुल समझ में आ रही है, क्योंकि ये लोग कौन है, ये जो शास्त्री हैं और उसके बाद में ये जो प्रेज़ द लॉर्ड ये जो पुरोहित हैं, महायाजक हैं और उसके बाद में ये प्राचीन हैं, ये जो फरीसी हैं, ये लोग सब कौन है, ये सब सेवक हैं। असल में इनको भी कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, क्योंकि ये लोग भी धर्म का काम के नाम पर कर क्या रहे हैं, सारे कुकर्म कर रहे हैं, तो इनको ये कहानी बिल्कुल समझ में आ गई। समझ में आने के बाद में अगला प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब बताओ जो मालिक है वो क्या करेगा, वह आकर उन किसानों को नष्ट करेगा। पहली बात, वह अपना फैसला सुनाएगा। दूसरी बात क्या होगा, और दाख की बारी इनके हाथ से लेकर दूसरे को सौंपेगा। अगला आता है हमारा आज का, दरअसल बोला जाए तो संदेश अब शुरू होने जा रहा है, डरिए नहीं। यह सुनकर उन्होंने कहा परमेश्वर करे ऐसा ना हो, परमेश्वर करे ऐसा ना हो। कौन बोल रहे हैं, उनको बिल्कुल बात समझ में आ गई, भैया कुछ ना कुछ तो होने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह जो सेवकाई कर रहे थे, कैसे सेवकाई कर रहे थे पता है, यीशु मसीह अधिकार के साथ में सेवा कर रहे थे। और आप खुद जरा अपनी जिंदगी में भी सोच के देखिए, आपके जिंदगी के अंदर भी कुछ लोग न्यायी बनकर बैठे हुए थे, कुछ लोग शास्त्री बनकर बैठे हुए थे, कुछ लोग प्राचीन बनकर बैठे हुए थे, तरह तरह के अधिकारी मौजूद थे। उन अधिकारियों को बाहर कर आज आपको प्रभु कहां पर ले आया, दाग की बारी के अंदर ले आया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक तरीके से कहां बैठे हुए थे, मंदिर के बाहर, लेकिन शुक्र मनाइए, ये मंदिर का सुसमाचार हमारे पास आ गया और हमें कहां मना दिया, कहां पर ले आए, अब हम दाग के बारी के वारिस बन गए। अगला जो वचन है ना, बड़ा सामर्थ्य है, इसको भी प्रेज़ द लॉर्ड काफी समय लेकर वचन की मनादी करना जरूरी है, लेकिन आप परेशान मत होइए, मैं जल्दी से एक शब्द के साथ में चेंज करूंगा। यीशु मसीह ने तुरंत एक भविष्यवाणी का वचन पुराने नियम से लिया, भविष्यवाणी की किताब भजन संहिता की किताब 118वें अध्याय का, हालेलुया 118वें अध्याय का 118 का 22 पढ़ दीजिए, 22
राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया, वही कोने का सिरा हो गया। मतलब समझ में आ रहा है? राजमिस्त्री ने, जब राजमिस्त्री, आपको समझ में आएगा अच्छे से, प्रेज़ द लॉर्ड, राजमिस्त्री क्या करेगा? एक पत्थर रखेगा, पत्थर रखने के बाद में एक धागे को इस तरफ खींचेगा, एक धागे को इस तरफ खींचेगा, वो कौन है? कोरे का, कोने का सिरा हो गया। मतलब बाकी जो पत्थर लगेंगे वो कैसे होएगा? इसी कोने के सिरे के लकीर के साथ में, धागे के साथ में वो पत्थर भी लाइन से क्या होती जाएगी? अरे कभी घर बनते हुए नहीं देखा? घर बनते हुए देखा है? नहीं देखा है ना? पहले एक पत्थर रख, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? कुछ गलत कह रहा हूं तो बताइए। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु क्या बोल रहे हैं? राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को, तो ये राजमिस्त्री अभी कौन है? परमेश्वर के राज्य में अभी राजमिस्त्री कौन है? नहीं नहीं, अभी मंदिर के हिसाब से, अभी जो हम कहानी पढ़ रहे हैं, प्राचीन शास्त्री पुरोहित, ये कौन है? मंदिर के राजमिस्त्री। अभी इस मंदिर के अंदर पुराना नियम खत्म होकर नया नियम शुरू होने जा रहा है, तो अभी कोने का एक बहुमूल्य पत्थर कौन है? यीशु मसीह। अब ये क्या कर रहे हैं? राजमिस्त्री ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया, तो मतलब अभी मंदिर के अंदर बैठा हुआ ये मजबूत पत्थर कौन है? यीशु मसीह। राजमिस्त्री कौन है? प्रधान याजक, शास्त्री, पुर्निये, फरीसी, सदुकी, ये सब कौन है? राजमिस्त्री। मंदिर के जो अधिकारी है वो कौन है? राजमिस्त्री। प्रभु क्या बोल रहा है? प्रभु क्या बोला? तुम राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को, मतलब वो पत्थर कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह को क्या कर दिया? निकम्मा ठहराया। इस वचन को अभी यहां पर ठहरते हैं, यहां पर ठहरकर मेरी और आपकी जिंदगी ले लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम दुख में पड़े हुए थे, इस पत्थर को हमने अपना गढ़ बनाया, इसलिए हम यहां पर आज मौजूद हैं। लेकिन देखिए ये कौन है? राजमिस्त्री। लेकिन इस पत्थर को इन्होंने क्या कर दिया? शुक्र मनाइए, जिस दिन ये सुसमाचार आपके जीवन में आया, आपने इसे निकम्मा नहीं ठहराया। अगर मान लीजिए इन राजमिस्त्रियों के समान इस सुसमाचार को आप अपने जीवन में निकम्मा ठहरा देते तो क्या होता? क्या होता? जरा सोच के देखो, कर्ज में डूब जाते, वो नौकरी के साथ में खत्म हो जाता, वो पापा, वो मम्मी, वो विषय, वो भाई, वो बहन, प्रेज़ द लॉर्ड, वो लोग आए नहीं आए उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे निकम्मा ना करने के लिए राजमिस्त्रियों से ज्यादा मैं मूर्ख होने के बावजूद भी मुझे ये बुद्धि दे दी प्रभु जी। धन्यवाद। आमीन। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता। आमीन। शुक्र है मैं राजमिस्त्री तो नहीं हूं, लेकिन निकम्मा ना करने के लिए प्रभु ने मुझे बुद्धि दिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलता है, दुनिया के ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए, राजमिस्त्रियों को लज्जित करने के लिए दुनिया के मूर्खों को मैंने चुन लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमें बुलाया तब कैसे थे? अयोग्य थे। जब हमें बुलाया कैसे थे? प्रेज़ द लॉर्ड। अगले तरफ वचन बोलता है, हालेलुया, हम सोते के अंदर पड़े हुए पत्थर थे, लेकिन वहां से उठाकर हमें योग्य किया। प्रभु आपको योग्य कर रहा है। हर दिन मूर्ख नहीं है, हर दिन नलायक नहीं है, हर दिन निकम्मे नहीं है। अब राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया, एक समय पर यीशु को निकम्मा ठहराया। आज आप भी बेशक कई जगहों पर निकम्मे होंगे, कोई बात नहीं, नम्रता और बढ़ने दीजिए, दीनता और बढ़ने दीजिए, संयम और मजबूत होने दीजिए, क्योंकि राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया। अगला वचन मैं नहीं बोलूंगा, आप पढ़ो। वही क्या हो गया? वही क्या हो गया? वही क्या हो गया? आज आप
परिवार में तुच्छ किए होंगे, आज अपने लोगों में तुच्छ किए होंगे, आज समाज में तुच्छ किए होंगे, आज आपकी बीमारी आपके लिए कब्जा बनी होगी, आज आपका कर्ज आपके लिए कब्जा होगा। धैर्य रखो, धैर्य रखो, कोने के सीरे में लग तो गए, निकम्मापन हट जाएगा। हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। और उसके बाद में जब पुराना नियम पढ़ते हैं, क्या बोल रहे पता है, पुराना नियम 118 से 22 से लेकर 24 तक का वचन पढ़िए। वही कोने का सीरा हो गया, यह तो यहोवा की ओर से हुआ। अभी पुराना नियम खत्म होने जा रहा है, नया नियम शुरू होने जा रहा है, ठीक है। ठीक उसी समय, थोड़ा समय से लगा, थोड़ा सा समय बचा है, बस थोड़े से समय में पुराना नियम खत्म, नया नियम शुरू होने वाला है। और यीशु मसीह खड़े होकर इस वचन को बोल रहे हैं, कहां से? पुराने नियम से। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया, वही कोने का सीरा। मतलब अभी कौन सा सीरा, कौन सा चालू होने जा रहा है? नया नियम। उस नए नियम के अंदर का कोने का सीरा, मतलब मजबूत। पुराने नियम में मजबूत घड़ी कौन है? अब्राहम। पुराने नियम में मजबूत कड़ी कौन है? प्रेसलोन, मूसा। लेकिन नए नियम की नींव जो बनने जा रहा है, कोने का सीरा जो बनने जा रहा है, वो पुराने नियम में छिपा हुआ है, नए नियम में प्रकट में सामने आने जा रहा है, उसका नाम है यीशु। वो कोने का सीरा बनने जा रहा है। ये किसकी ओर से हुआ? अब मेरी और आपकी जिंदगी देख लेते हैं। मेरी और आपकी जिंदगी में जो भी आशीष मौजूद है, वो किसके वजह से मौजूद है? यीशु मसीह की। ये किसकी ओर से हुआ? आप में जो काम शुरू हुआ, ये किसकी ओर से हुआ? आप में जो शुरुआत हुई, वे किसकी ओर से हुआ? ये परमेश्वर की ओर से जो आरंभ हुआ है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। क्या आपके घर वालों ने आपको चुना है? क्या आपकी डिग्री ने आपको चुना है? क्या आपके क्वालिफिकेशन ने आपको चुना है? क्या आपकी सुंदरता ने आपको चुना है? क्या आपकी खूबी ने आपको चुना है? क्या आपके चरित्र ने आपको चुना है? क्या आपकी प्रार्थना ने आपको चुना है? क्या आपकी आराधना ने आपको चुना है? क्या आपके उपवास ने आपको चुना है? नहीं, ये तो आने के बाद प्रभु ने दी हुई योग्यता है। प्रभु ने अपना काम मुझ में शुरू किया, और वो भी कहां पर शुरू किया? जहां मेरे पूरे कौम के अंदर। आप भी अपने पूरे कौम को देखो, आप भी अपने पूरे कौम को देखो, आप भी अपने पूरे कौम में देखो। आप जहां कोने का सीरा बनकर प्रभु ने खड़ा किया है, वहां दूसरा कोई नहीं है। ये किसकी ओर से हुआ? ये किसकी ओर से हुआ? ये किसकी ओर से हुआ? ये प्रभु की ओर से हुआ। अब जरा सोचो, ये कोने का सीरा बनाकर क्या आपने अपने आप को रखा? नहीं, प्रभु ने रखा। जब प्रभु ने इस कोने के सीरे को यहां पर रखा है, योजना बड़ी है। हालेलुया, आमीन, थैंक यू जीसस। अब अगला वचन जरा पढ़िएगा। बस 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 बस, आप पुराना नियम छोड़ दो, नए नियम में आ जाओ। लुका रचित सुसमाचार। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा, जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा, हाँ, वह चकनाचूर हो जाएगा। उस समय पर एक साम्राज्य गिरा इस पत्थर पर। उस साम्राज्य ने बोला, हमारा इसमें कोई भी, उस साम्राज्य का नाम है रोम। आज आप गूगल करो, रोम कहाँ है। जो भी इस पत्थर पर गिरेगा वो क्या हो जाएगा? चकनाचूर हो जाएगा। अगला गिरा, यहूदियों ने बोला, इसके खून का पलटा हमारे पर और हमारे बच्चों पर और हमारे आने दो। उन्होंने बोला, उन्हें नहीं पता था ये क्या कर रहे हैं। जब ये पत्थर का सीरा जब उनके ऊपर लगा, एडी 70 में इसराइल तबाह हो गया, दुनिया भर में तितर बितर हो गया। उन्हें पता नहीं था इस पत्थर का मूल्य। लेकिन शुक्र मनाइए, मुझे और आपको इस पत्थर का मूल्य पता चल गया, वो हमारे जीवन का दृढ़ गढ़ बन गया, हमने इसको अपना लिया। अब हम कहां चढ़ खड़े हैं? अब हम कहां खड़े हैं? अब हम कहां खड़े हैं? मसीह नामक चट्टान में। आपको ताकत कहां से मिलती है? हम ये नहीं बोल रहे हमें दुख नहीं आते, हम ये नहीं बोल रहे हमें कमर दर्द नहीं होता, हम ये नहीं बोल रहे हमें आलस नहीं आता, हम ये नहीं बोल रहे हमें सुस्ती नहीं होती, हम ये नहीं बोलते हमें नींद नहीं आ रही। हमें भी सब आती है, लेकिन मसीह नामक चट्टान की जब बात आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है, पहली कोरिन्थियों 10वें अध्याय का पहला वचन, वो खाते पीते उस चट्टान से है जो चट्टान मसीह है।
ये अकेला घर में कैसे खड़ा है, ये अकेला नशा छोड़ के कैसे खड़ा है, ये ऐसी हरकत क्यों नहीं कर रहा, ये अभी खड़ा कैसे है, ये अभी गिरता क्यों नहीं है, इसका पतन क्यों नहीं होता, ये पाप क्यों नहीं करता, ये अब शराब क्यों नहीं पीता, ये अब गाली गलौज क्यों नहीं करता। भैया मैं नहीं हूं, मेरी ताकत एक चट्टान है, उस चट्टान का नाम है आपकी उपवास आपके वजह से नहीं है, प्रभु मेरे से करवा रहा है, मेरी प्रार्थना मेरे वजह से नहीं है, प्रभु करवा रहा है। मैं तो प्रेस लोड नशे की सुगंध आ जाए बहक जाऊंगा, लेकिन बहक नहीं रहा क्योंकि मैं एक जगह पे खड़ा हूं, उस जगह का नाम क्या है, मसीह नामक चट्टान। वो चट्टान पर प्रभु ने इस कौम के बीच में, इस जाति के बीच में, इस वंश के बीच में जब आपको खड़ा रखा है, उसमें एक योजना है। अपने आप को हल्के में नहीं लेना, आप कौन है, कोने के अब धागा बांध दिया है, माँ के घर में, पिता के घर में, पता नहीं और कितनी ईंटें यहाँ पर लगेगी और पता नहीं कितनी बिल्डिंग यहाँ पर खड़ी होगी, लेकिन वो कोने का सिरे का मेन पत्थर कौन है, यीशु मसीह। यीशु मसीह के साथ में हमको भी जोड़ दिया। ये भाग्य अवस्था कहाँ मौजूद है, ये सौभाग्य कहाँ मौजूद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, हालेलुया। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया, जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा वह पीस डालेगा। आज हम दुनिया का शासन देखते समय हमें लग रहा है कई लोग वहां यहां बैठकर छोटे से झुंड जय मसीह की बोलो जय वगैरह कर रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन बीत नहीं दीजिए, ज्यादा समय मौजूद नहीं है, युद्ध की चर्चा आप सुन रहे हो, हालिया प्रलय एक तरफ से आ रहा है और उसके बाद में तरह तरह की बातें चारों तरफ हो रही है। एक बात तय है, ये पत्थर कहीं ना कहीं कुछ होने वाला है। ज्यादा समय हमारे पास में मौजूद नहीं है, ज्यादा वक्त हमारे पास में मौजूद नहीं है। ये जो दुनिया के शासन है ताश के पत्तों के समान ढेर हो जाएंगे, पता नहीं ये पत्थर कहां गिरने वाला है, लेकिन एक बात तो तय है, इस पत्थर ने पहले से बोल दिया जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह क्या होगा। अब जरा सोच के देखो, ये तो दुनिया का पल्ला हो गया, अब हम जिंदगी के पल्ले पे ले लेते हैं, जिंदगी के दुख के पल्ले पर इस पत्थर को जब हमने घेरा, वो दुख चकनाचूर होगा या नहीं होगा। इस पत्थर को लेकर हमने अपने कर्ज पे डाल दिया, कर्ज बड़ा है या प्रेस लॉर्ड हाल ये पत्थर बड़ा है, आमीन। अब हमने दुख पर इस पत्थर को डाल दिया, बीमारी पर इस पत्थर को डाल दिया, बेटे के जिद्दी स्वभाव पर पत्थर को डाल दिया। जहां जहां डालेंगे वो परिस्थिति बड़ी है या परमेश्वर बड़ा है, पत्थर बड़ा है, क्या बड़ा है, हालेलुया। आपका विश्वास मजबूत होने पर, आमीन। क्या आप घुटने पर आ सकते हैं, प्रार्थना में जा सकते हैं, इस पत्थर की ताकत को लगाओ। उस पत्थर का नाम प्रेस लॉर्ड क्या है, उस मजबूत गढ़ का नाम क्या है, यीशु के नाम को लगाओ, आमेन। और विश्वास कीजिएगा ये कर्ज उतर जाएगा, और विश्वास कीजिएगा ये नौकरी मुझे मिल जाएगी, विश्वास कीजिएगा ये व्यापार मेरा है, ये काम मेरा है, ये स्थिति मेरी है, हालेलुया। जब यूं भौतिक बातें बोलते समय प्रेस लॉर्ड वो आत्मिक गढ़ मेरा है, वो अन्य भाषा मेरा है, वो दर्शन मेरा है, वो भविष्यवाणी मेरी है, वो सेवकाई मेरी है। अगर यीशु ने मंदिर के बाहर सेवकाई करी तो मैं भी सेवा करूंगा, मैं भी इस्तेमाल होऊंगा, मुझे भी प्रभु इस्तेमाल में लेगा, हालेलुया। मुझे गाना नहीं आता, मुझे प्रार्थना नहीं आता, मुझे वचन नहीं आता, मुझे उपवास नहीं आता, लेकिन मैं भी इस राज्य में इस्तेमाल होऊंगा, क्योंकि उस पत्थर में कहीं ना कहीं मैं भी जुड़ जाने पाऊं, वो कोने के सिरे के साथ मैं भी कहीं ना कहीं जुड़ जाने पाऊं, हालेलुया। ये मनुष्य की ओर से नहीं है, ये किसकी ओर से है। आज जो यहां पर बैठे हैं, क्या आप अपने अपने वजह से बैठे हुए हो, आपको तो वो नींद प्यारी लग रही थी, आपको तो वो चादर प्यारा लग रहा था, आपको तो घर का वो मोबाइल टीवी प्यारा लग रहा था, लेकिन प्रभु आपको लेकर आया है। जब आपको लेकर आया है ये प्रभु की योजना है, प्रभु की योजना है। क्यों, क्या योजना है, क्या योजना है। आज बैठे हुए हो कोई बात नहीं, आज बैठ के सुन रहे हो कोई बात नहीं, आज बैठ के गाना गा रहे हो कोई बात नहीं, आज बैठ कर आमीन बोल रहे हो कोई बात नहीं, आज वचन पर बस आमीन बोल रहे हो प्रेस लॉर्ड कोई बात नहीं, हल्का फुल्का वचन समझ में आ रहा है, कुछ बातें समझ में नहीं आ रही कोई बात नहीं, एक दिन कोने के सिरे के साथ में जुड़ने वाले बहुमूल्य पत्थर हो आप,
निकम्मे नहीं हो। आज बुद्धि नहीं है कोई बात नहीं, हालेलुया। आज समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, निकम्मेपन को हटाने के लिए कोने के सिरे के साथ में जुड़ने के लिए समर्पण कर दो। बाकी योजना परमेश्वर की है, बाकी प्रभु करेगा। वो विश्वासियों के है, उसके जैसा कोई नहीं है, उसके तुल कोई नहीं है, उसके समानता में कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। समर्पण कीजिएगा, अपने आप को समर्पण कीजिएगा, अपने एक एक घड़ियों को समर्पण कीजिएगा, बहुमूल्य क्षणों को समर्पण कीजिएगा, वक्तों को समर्पण कीजिएगा, अपनी काबिलियत को समर्पण कीजिएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उसकी योजना है, हालेलुया। वो छोड़ेगा नहीं, वो त्यागेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उठाना चाहता है हर दिन आंसू, हर दिन दुख, हर दिन रोना, हर दिन मुरझाना। नहीं 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 नहीं, उसकी योजना है। थैंक यू जीसस। वह अपने समय पर सब कुछ अच्छा कर देता है। वो अच्छा आपके ऊपर शुरुआत कर चुका है। कोने के सिरे के साथ में जुड़ने के लिए मौका तो मिल गया ना, बाकी वो कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने अपने पापों के लिए माफी मांगिएगा, अपने अपने विषयों के ऊपर माफी मांगिएगा। प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखने के लिए प्रभु कृपा देने पाए। लेकिन कुछ लोग दुष्ट हैं, दुष्ट से कैसे रखना है, कैसे करना है, दुष्ट से भागना है, दुष्ट से दूर रहना है। प्रेज द लॉर्ड। जहां जहां जिसे क्षमा करना है क्षमा करो। माँ के घर, पिता के घर, पति के घर, समाज में से, भाई में से, बहन में से, जिसे जिसे क्षमा करना है क्षमा करो। क्षमा बड़ी ताकत है। थैंक यू लॉर्ड। अपने दिल को साफ रखो, निष्कपट रखो, निष्कलंक रखो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद।